नमस्कार दोस्तों, एमसी तोड़फोड़ के नाम से मशहूर रैपर धर्मेश परमार का निधन हो चुका है। वह 24 साल के थे। धर्मेश मुंबई के स्ट्रीट रैपर्स कम्युनिटी के जाने माने नामों से एक थे। अपने गुजराती रैप के लिए एमसी तोड़फोड़ काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। कुछ साल पहले धर्मेश रणबीर की फिल्म गली बॉय के साउंड ट्रैक के साथ एक ट्रैक के लिए अपनी आवाज़ दी थी। वह स्वदेशी नाम के सिंगिंग बैंड का हिस्सा थे। इस बैंड ने उनके निधन की पुष्टि की है। कहा जा रहा है कि एमसी तोड़फोड़ यानी धर्मेश परमार की कार एक्सीडेंट से निधन हो चुका है। हालांकि उनके निधन की वजह के बारे में उनका परिवार या बैंड की तरफ से आधिकारिक पुष्टि की नहीं की गई है। आज यानी सोमवार 21 जुलाई को एमसी की तोड़फोड़ का अंतिम संस्कार होने हैं। इस बात की जानकारी देते हुए उनके बैंड स्वदेशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है और इसी के साथ उनने खास अंदाज में उन्होंने रैपर एमसी तोड़फोड़ को श्रद्धांजलि भी दी है। दरअसल हाल ही में हुए स्वदेशी मेला में एमसी तोड़फोड़ ने की हुई परफॉर्मेंस का एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने यह श्रद्धांजलि दी गई है। ये परफॉर्मेंस उनकी आखिरी परफॉर्मेंस साबित हुआ है। तो दोस्तों, आप भी इनके बड़े फैन हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।